हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द पॉलीगन्स इन द चैप्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। हेलो डियर ऑल, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल प्रेजेंट स्मार्ट इंडियन एडुफन क्लासेस। एडुफन ऑनलाइन क्लासेस इंक्लूड कोर्स स्टडीज ऑफ प्ले ग्रुप टू क्लास 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. So students, the topic is polygons, chapter number 5, understanding elementary shapes. So far studied polygons, three or four sides known as triangles and quadrilateral respectively. It means three sides se jo banta hai wo kehlata hai triangles aur jo four sides se banta hai quadrilateral. Now we now try to extend the idea of polygon on to figures with a more number of sides. यानी कि अगर हम number of sides increase करते हैं, यानी कि अगर हम number of sides बढ़ाते हैं इसमें, तो polygon की जो pictures आएंगी वो उसके name change हो जाएंगे, ठीक है। उससे related आपकी book में page number 107 पर एक table given है जिसे आपको अपनी copy में draw भी करना है और learn भी करना है, जो आपके MCQ में भी आता है। देखिए question है, number of sides, if नंबर ऑफ साइड्स इज 3, द पिक्चर नेम इज ट्रायंगल, इसकी पिक्चर आप बना लेंगे ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल है। फोर्थ साइड क्वाड्रिलेटरल, फोर्थ साइड इज क्वाड्रिलेटरल, हाउ मेनी साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, 1, 2, 3 and 4। नाउ नेक्स्ट इज ऑफ पेंटागन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन इज 5, इसमें 5 साइड्स होंगी वो पेंटागन कहलाएगा, और पेंटागन में हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये पेंटागन का फिगर है। नेक्स्ट इज हेक्सागन, हेक्सागन में कितना फिगर होता है बच्चों, कितनी साइड्स होती हैं, 6, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, ये हेक्सागन की पिक्चर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके बच्चों। नेक्स्ट 6 के बाद 7 भी आता है हेप्टागन, बट वो इसमें गिवन नहीं है, ठीक है, वो आपको बाद में पढ़ना है। नेक्स्ट इज ऑफ 8, नंबर ऑफ साइड्स 8 इज बिकम ऑक्टागन, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टागन। ऑक्टागन कुछ कुछ इस तरीके से नजर आता है जिसमें 8 साइड्स होती हैं, तो दिस इज बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंट पार्ट्स में आप चेंज कर लेंगे, इसमें साइड्स के बिहाइव पर पॉलीगन्स के अलग अलग पिक्चर हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल था, पेंटागन, हेक्सागन, ओके, ऑक्टागन। इसके बाद इन्होंने लिखा है एनसीईआरटी में, वी नाउ ये शेप कहाँ कहाँ मिलती है हमें इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे आसपास असल जिंदगी में, जैसे विंडो है ना, डोर है, वॉल्स है, अलमीरा है, ब्लैक बोर्ड है, नोटबुक है, नोटबुक सब अलग अलग शेप की होती हैं, यूजुअली इन रेक्टेंगुलर इन शेप, ज़्यादातर आपको जो है रेक्टेंगुलर शेप में मिलेंगी, फ्लोर टाइल्स आर इन रेक्टेंगल्स, स्टडी नेचर द नेम ऑफ ट्राइंगल मेक्स इट इज़ अ मोस्ट यूजफुल शेप इन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपने ब्रिजेस देखे होंगे, द ट्राइंगल्स फाइंड एप्लीकेशन इन कंस्ट्रक्शन, ये आपने देखा होगा, यहाँ पर ये पिक्चर बन रही है आपके, इसमें सेम ऐसे ही हमारा ये पिक्चर है ना, बी नोज द यूजफुलनेस ऑफ हेक्सागनल शेप, बनाती है वो इस शेप में बनाती है अपना। नेक्स्ट इज द बेस्ड ऑन क्वेश्चन, इसमें हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही करना है बच्चों, पहले हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, एग्जामाइन वेदर फॉलोइंग आर पॉलीगन्स, इनमें से कौन कौन सा जो है पॉलीगन्स का शेप में है ये आपको बताना है, इफ एनी वन अमंग देम इज नॉट से वाई, तो आपको बताना है कि जो है ऐसा क्यों है, ओके। और फिर उनके इन पॉलीगन, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम ईच पॉलीगन, जैसे इसमें कितनी साइड से 1, 2, 3, 4, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, कितनी साइड से 1, 2, 3, ट्रायंगल, इस तरीके से आपको इनके आंसर्स करने हैं, ओके बच्चों। वी कैन डू ओनली द फर्स्ट 2 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.8। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।